फ्रेंड्स, अगर आपके घर में इन्वर्टर है या फिर आप बैटरी को ट्रैक्टर में, कार में, जीप में, ट्रक में या किसी भी जगह पर बैटरी को यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली, क्योंकि बहुत सारे भाई हमारे क्या करते हैं, जो बैटरी होती है इन्वर्टर की या ट्रैक्टर की, उसके अंदर नॉर्मल पानी, पीने वाला पानी या फिर पानी को उबाल करके डालते हैं बैटरी में, जिससे बैटरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके विद प्रूफ दिखाऊंगा कि बैटरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है नॉर्मल पानी से और डिस्टिल वाटर डालने से। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये हमारे पास तीन कंटेनर है। पहला है ड्रिंकिंग वाटर, ये अभी खाली है, और दूसरा है वाउल्ड वाटर यानी उबला हुआ पानी, और तीसरा है डिस्टिल वाटर यानी जो पानी ये वाला आता है, ये पानी हम इसके अंदर डालेंगे। तो पहला है ड्रिंकिंग वाटर, मैं आपको बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो पहले में हम ड्रिंकिंग वाटर डाल लेते हैं। पीने का पानी शुद्ध पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पी सकते हैं, पीता हूँ मैं इससे। तो ये पीने वाला पानी है, इसको हम फुल कर लेते हैं। तो ये हमारा फुल हो चुका है, और ये जो है उबला हुआ पानी, ये हमने उबाला था तो ये उबलते उबलते इतना बचा है। और ये हमारे पास डिस्टिल वाटर यानी बैटरी में पड़ने वाला पानी, ये बिल्कुल सील पैक बोतल है, तो इसको हम ओपन करते हैं। मैं दिखा दूँ, यहाँ पर खोलूँ आपके सामने, नहीं तो आप कहेंगे कि पता नहीं ये कैसा पानी भर रखा है। ये कैप खुल रही है, ये डिस्टिल वाटर है। तो इसको हम इस वाले कंटेनर में कर लेते हैं जिस पर लिखा है डिस्टिल वाटर। ये अब हम ये देखेंगे कि इस वाले पानी में, डिस्टिल वाटर में, और इस पानी में, और इस पानी में क्या अंतर है। तो ये हमारे तीन कंटेनर हो गए, पीने का पानी, उबला हुआ पानी, पीने का पानी ही उबला हुआ है ये। फ्रेंड्स, ये खोलता हुआ पानी जिसको हम ठंडा करने के बाद यूज़ करेंगे। तो आपने देखा, हमने पानी को अच्छे तरह से उबाल लिया है, और उसके बाद ठंडा करने के बाद इसमें हमने कर लिया है। और ये डिस्टिल वाटर जो हमने अभी आपके सामने लोटा है, और ये पीने का पानी है। तो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। तो ये हमारा सीरीज का बोर्ड, और ये हमने सीरीज की लीड लगा दी, और ये हमारा सीरीज का बल्ब जल रहा है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या अंतर है, ठीक है। पानी को हम इसी से चेक करेंगे, दो थोड़ा सा दूर हो रहा, पास में कर लेते हैं। ये है पानी पीने वाला, तो इसमें देखते हैं हम क्या अंतर है। यहाँ पर हमने लगा दिया, आप सीरीज के बल्ब को देखिए, हल्का हल्का बल्ब जो है ग्लो हो रहा है, हल्का हल्का जल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर जो बीच में रेजिस्टेंस बन रही है, जितना हम पास करेंगे इतना ही ये बल्ब थोड़ा तेज़ ग्लो होगा, यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा बनने लग जाएगी। आप देख सकते हैं ये तार जो है, तार काफ़ी दूर है और बल्ब जल रहा है, यानी बीच में रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। अभी हमने तार को टच नहीं किया, जैसे ही तार टच होगा तो ये बल्ब फुल जल जाएगा, ठीक है। ये तार टच कर दिया हमने, बल्ब फुल जल गया। अगर हम दूर करेंगे तो उसी हिसाब से ये, यानी कि इसके अंदर बीच में रेजिस्टेंस बन रही है। अब हम उबले हुए वाले पानी को चेक करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बनती है नहीं बनती है। ये पानी उबलते हुए कम हो गया, कभी आप सोचे हमने पानी कम लिया, ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो अभी तो हल्का सा देखो, आप देख सकते हैं ये है उबला हुआ पानी। तो यहाँ पर लास्ट में तो अभी जो है बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम पास कर रहे हैं तो यहाँ पर भी बल्ब ग्लो होने लग गया, देखो आप। और अभी तार काफ़ी दूर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, ठीक से दिख रहा होगा, और अभी तार मिला नहीं है, और जो है बल्ब ग्लो हो चुका है नॉर्मली। और जैसे ही हम इसको पास में लेकर आएंगे तो और तेज़ ग्लो हो जाएगा, और ये जो है बल्ब फुल जल गया, यानी तार अंदर मिल चुके हैं इस तरह से, ठीक है। तो फ्रेंड, आपने देखा ये जो हमारा उबला हुआ पानी है, और इसको हमने छान भी लिया है, और इसके अंदर भी जो है रेजिस्टेंस बन रही है, यानी इसके अंदर भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। और अब हम देखते हैं जो हमारा डिस्टिल वाटर है, जो पानी बैटरी के अंदर पड़ता है, इसके अंदर क्या होता है। तो ये हमने लास्ट में लगाया है, और धीरे धीरे हम इसको पास में करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ भी इसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, बिल्कुल पास में आ गया है, और जब तार चिपक जाएगा तो जो है बल्ब जल जाएगा फुल, लेकिन बीच में रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं बन रही है। तो आप देख सकते हैं कोई भी रेजिस्टेंस बीच में नहीं बन रही है, तार बिल्कुल एकदम, मैं यहाँ पर लगा लूँ ताकि तार आराम से स्टेबल हो जाए। तो आप देख सकते हैं तार बिल्कुल पास में है, ये अभी भी तार मिल गया था, तो तार बिल्कुल पास में है, 1 mm 2 mm का गैप है, लेकिन बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं हो रहा है, यानी कि ये पानी बिल्कुल परफेक्ट है बैटरी में डालने के लिए। और जैसे ही तार मिलता है तो बल्ब फुल ग्लो हो जा रहा है, यानी इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे तो मिलेगा तो बल्ब जो ग्लो हो ही जाएगा, लेकिन ये जो पानी है बिल्कुल शुद्ध है, यानी ये पानी जो है बैटरी के लिए ही बनाया जाता है। आप चाहे नॉर्मल पानी बैटरी के अंदर यूज़ करें पीने वाला पानी, या फिर आप पानी को उबाल करके यूज़ करें, ठीक है, या फिर
किसी और तरीके से करें, लेकिन बैटरी के अंदर जो पानी पड़ता है वो यही पानी पड़ता है, ये वाला डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो पानी हमेशा यही पड़ना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये तो हो गया नॉर्मल वायर से इसका एक्सपेरिमेंट, अब हम देखेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। तो ये हमारे पास दो सेविंग ब्लेड के टुकड़े, तो फ्रेंड हमने दो ब्लेड के टुकड़े कुछ इस तरह से लगा लिए। अब हम सीरीज के तार को दोबारा से लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं इसमें करंट है। तो हम पहले सबसे पहले जो है ये जो पीने का पानी इसमें देखते हैं, तो आप देख सकते हैं दूर से ही जो है तेज़ सीरीज जल गई, और जैसे ही हम इसको पास में करेंगे तो ये बहुत तेज़ी से पानी उबलने लग जाएगा। लेकिन अभी बल्ब जो है सीरीज में है तो अभी से पानी उबलने लग जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, तार को डायरेक्ट लगाएंगे तो और तेज़ी से उबलने लग जाएगा, ठीक है। और इस वाले में देखते हैं उबले हुए पानी में, तो इसमें थोड़ा हल्का सा कम ग्लो हो रहा है। और अगर हम इसमें देखें, ये डिस्टिल वाटर है बैटरी में डालने वाला, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कहीं से कहीं तक भी जो है यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस नहीं बन रही है। तो इससे जो हमारी बैटरी की प्लेटों की लाइफ काफ़ी लंबी रहती है, यानी बैटरी जो है काफ़ी लंबी चलती है। अगर ये पानी डालेंगे तो बैटरी की लाइफ काफ़ी कम हो जाएगी, और नॉर्मल पानी डालेंगे तो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, जल्दी प्लेटें ख़राब हो जाएंगी। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यानी वीडियो आपके काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहें।